आज मैं जा रही हूँ उनको छोड़ के, अपने माइक के जा रही हूँ, पर ये उदास हो गए खाने की टेंशन है और नहीं कुछ भी इनको, भी खाना कौन बनाएगा सुबह तक कल तक, उसकी है मेरी याद में नहीं हो रहे उदास ये अरे मेरी याद में नहीं होते हैं, बूढ़े हो गए हम ये हो रहे हैं, इनको खाने की टेंशन पड़ी है कि अब चली जाऊंगी तो खाना कौन बनाएगा, रात को कौन बनाएगा, सुबह कौन बनाएगा, उसकी हो रही है। और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि क्या करना, जाना ज़रूरी है ना, तो जा रही हूँ मैं, नहीं तो इनको खाने की मैं इतनी देर जाती नहीं हूँ वैसे ना, मगर ज़रूरी है मायके में ना, मेरे अपने मामा जी के यहाँ जा रही हूँ मैं ना, तो ज़रूरी है जाना, कल आ जाऊँगी मैं वापस और ये बना लेंगे खाना, शाम को मैं बना दिया मैंने शाम के लिए, सुबह का बनाना है उन्होंने, वो बना लेंगे खुद ही खाना। तो मैं चल पड़ती हूँ क्योंकि बाहर का मौसम भी हो गया ख़राब, ये बादल हो गए, पता नहीं कैसे जाना, कैसे जाऊंगी, ये मुश्किल हो रहा है, दिन भर तक बारिश न पड़ जाए कहीं तो कुछ नहीं। मेरा बेटा भी घर पे ही, मैं जा रही हूँ अकेले और मेरी देवरानी जा रही है साथ में, हम दोनों जा रही हैं आज अपने मायके वाले से मिलूंगी मैं आपको। जाते जाते बारिश लग पड़ी है और यहाँ पे खड़ी हो गई मैं यहाँ पे देवरानी, और हम ना भीग रही हैं यहाँ पर, तेरे बड़े पता नहीं कैसे पहुँचेंगे अब हम दोनों ना, गाड़ी भी जा रही है बारिश लग पड़ी है, जाते पता नहीं बस मिस ना हो जाए हमारी, ये लास्ट बस होती है हमारे मायके के लिए ना, दूर है हमारे मायके काफ़ी, तो क्या जाना रही ना बस जी गड्डी बस में जाना, गाड़ी का खर्च नहीं कर सकती हम, काफ़ी ज़्यादा किराया लगता गाड़ी में, इस करके बस में जाना पड़ेगा, हम थोड़ा वेट कर लेती है ना, बारिश का थोड़ी कम होगी तो जल्दी जल्दी भाग के जाएंगे अब। चलो देखते हैं बस में, देखती हूँ पहुँच जाती हूँ तो। चुके अपने मायके, ये मेरे मायके और ये तो वो गेट आशापुरी माता का गेट है, अपने मायके वालों के वहाँ जा रही हो, मेरी भाभी भी खड़ी है, खरे ना खरे ना, अच्छा मासी, अच्छा अच्छा खरे ना मासी, कहता क्या प्रेस होना पिते का, अच्छा वो होया, अच्छा मुझे नहीं पता, वीडियो लाइव बनाने दी, हाँ आई मैं आऊंगी, मेरी मौसी जी का ऑपरेशन हुआ था मगर मुझे नहीं पता था, चलो देखती हूँ आऊँगी कल, जाती हूँ कि अभी जाती हूँ देखने में। ये मेरे मायके वालों का घर, ये देखो मेरी भाभी देख रही हैं कि आ गई है ननद मेरी, चलो मैं जाती हूँ, ये भी मेरे भाई का घर है, बड़े भाई का है, ये बीच वाले भाई का, और चलो मैं ना मिलाती हूँ अपने भाई और भाभी से ना, ये मेरी भाभी हैं
ये बीच वाली भाभी है मेरी, और बड़ी भाभी चले गए हैं जहाँ पे मैं आई हूँ, मैं मेरे मामा के घर गए हैं। वो मेरे मामा को मरे हुए 4 साल हो गया है, चबर्ख बोलते हैं, 4 साल के बाद करते हैं। वहाँ पे आई हूँ मैं भी और भाभी चले गए, बड़े छोटी भी, छोटी का घर दूर है मगर इनका घर है ये। हम जाएंगे थोड़ी देर बाद यहाँ पे चाय पानी पी के जाऊँगी ना, मैं अपनी भाभियों से भी सेवा करवा लेती हूँ ना। वो हाजिर है मेरी भाभी। ये हम चल पड़े हैं अपने मामा जी के घर, मेरे मामा जी के घर, और ये मेरी भाभी, और ये चली हुई है मेरी भाई की लड़कियाँ, भतीजी है मेरी, और एक ये चली गई है, ये मुस्कान है, और ये पीछे भी चली है एक, क्या है गुगलू, ये गुगली है, गुगली नमस्ते, नमस्ते भी नहीं बोल रही है, इसको आ रही है शर्म। ये देखो ये है गुगलू, नमस्ते, हाँ ठीक है ठीक है। और ये मुस्कान है मेरी, मुस्कान ये हमेशा मुस्काती रहती है, किसका नाम ना हमने मुस्कान रखा था। और ये सड़क के साइड में हो जाते हैं क्योंकि गाड़ियाँ वगैरह आती हैं ना यहाँ से। और ये इसका नाम है मोनिका, ये जो है ना ये मेरी भतीजी, इसका ये ना जुड़वा बहने हैं दो, एक की शादी हो गई और एक ये जुड़वा बहने, और ये मेरी भाभी चली हुई है, भी दोनों जुड़वा बहने हैं, दो भाभी हैं मेरी, दोनों जुड़वा हैं। भी आपको ना मैं दूसरी भाभी से मिलाऊंगी, इनकी बड़ी बहन है जुड़वा मगर है बड़ी ना, थोड़ी थोड़े मिनट वगैरह का फ़र्क होगा ना। ये दो जुड़वा मेरे मायके में, एक तो मेरे भाई की लड़की हैं दो, और दो मेरी भाभी हैं, दोनों जुड़वा हैं। मैं जा रही हूँ मेरे मामा के घर, चले गई हूँ वो पहले ही, और ये मेरा वेट कर रही थी मेरी भाभी, सोच रहे थे नंद में आना तो उनके साथ ही जाऊँगी, तो अब हम जा रहे हैं वहाँ पे, और मेरी भाभी वहाँ पे मिलेगी ना दूसरी, उनसे मिलाऊँगी, अब वहाँ पे मिलाती हूँ मैं अपने भाभी से।